गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करनाल आ रहे हैं। सरकार के तानाशाही रवैये को उजागर करने के लिए नवीन जैहिन ने प्रेस वार्ता करके कहा कि पानीपत में हेड कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंघम को अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने सिंघम को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही पानीपत के कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया कर्मी पर भी रोड जाम मामले के तहत केस दर्ज किया है। इसी को लेकर नवीन जैहिन ने शनिवार 11 फरवरी को पानीपत में प्रेस वार्ता की। जैहिन ने यूट्यूबरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि किसी भी यूट्यूबर साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बेशर्म सरकार आपको डराना व दबाना चाहती है ताकि आप किसी भी तरह से लोगों के हकों की आवाज न उठा सकें। जैहिन ने पत्रकारों की गिरफ्तारी व अन्य किसी भी आम नागरिक की गिरफ्तारी होने पर एक जरूरी जानकारी साझा की व सबूत सहित उदाहरण देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आरनेश कुमार का जजमेंट है कि जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 41 ए के तहत 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका नोटिस 15 दिन पहले देना होगा। बिना नोटिस के पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती और अगर पुलिस फिर भी गिरफ्तार करती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जुडिशियल अधिकारी पर कंप्लेंट लेगा व जमानत का भी अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां सिंघम के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघना हो रही है। जिस तरह से आशीष उर्फ सिंघम को अरेस्ट किया गया है वो मामला पूरी तरह से मेरे हिसाब से नहीं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से गलत है, क्योंकि सेक्शन 41 ए के तहत जिसका अभी 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया है, अलग अलग स्टेट के होम सेक्रेटरी को, कि जो अरनेश कुमार का जो मामला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्लूड मजिस्ट्रेट के ऊपर भी कह रखी है। तो हम इस मामले को लेकर फिर ऊपर से पत्रकारों के ऊपर FIR कर दी, तो पत्रकारों के ऊपर FIR करने का कोई मतलब नहीं था, पत्रकार बता रहे हैं वो थे भी नहीं वहाँ पे और उसके बावजूद भी FIR कर दी। तो हम मोटा भाई आ रहे हैं, हम इच्छा गृह मंत्री जी मधुबन आ रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा पुलिस का बैज बदल रहे हैं के लिए, हरियाणा पुलिस को बैज तो से वो रहने दो, वेतन बदलने की बात है, क्योंकि ये जो लड़ाई वो बता रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं पुलिस वाले 500-500 रुपये ले हैं, तो क्यों ले, उनकी तनख्वाह कम है। हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन लागू करो, 30,000 वैकेंसी भर्ती करो, वैलेंटाइन डे का दिन है उस दिन हरियाणा पुलिस वाले अमित शाह जी को फूल देवाएं और अमित शाह जी को गृह मंत्री हमारे उनको वैलेंटाइन डे हरियाणा पुलिस के लिए गिफ्ट देना चाहिए। उनकी छुट्टी का मामला है, उनके वैसे रोड़ा बच्चा है घर में, मेरे तो फोन आवा है पुलिस वालों के, छुट्टी नहीं मिलती तो उनके घर से लड़ा हुआ है, तनख्वाह नहीं मिलती तो वे रुपये ले हैं। तो इसलिए हम तो अमित शाह जी 14 तारीख को जो आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हरियाणा पुलिस की जो डिमांड है वो माने और ये पत्रकारों से जो FIR हुई है इसने रद्द करें, बेकार में डराने के लिए सारा का सारा सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। और अरनेश कुमार का जो मामला सेक्शन 41A उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यहाँ पे हजारों बेकसूर लोगों को बेकारों में जेलों में डाला जा रहा है, सरकार नहीं उठ रही है ना, सरकार विपक्ष तो बोलने वाला है नहीं। अब पत्रकार है मान लो कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ उठा देते हैं, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं उनको डराने के लिए, पत्रकारों को डराने के लिए कि अगर पत्रकारों पर भी FIR हो सकती है तो आम आदमी तो डरेगा बेचारा, इसलिए सरकार डराने के। मुख्यमंत्री CM साहब वैसे भी मीडिया सोशल मीडिया से बहुत डरे हुए हैं, बड़े घबराए हुए हैं, तो मेरा तो यही है कि भाई डरने की ज़रूरत है नहीं किसी को, तो जब सरकार डरती है तो इस तरह की हरकतें करती है। सोशल मीडिया डर रहे हैं ना, फेसबुक तो डर रहा है, मुख्यमंत्री यूट्यूबर या यूट्यूबर आता बताइए तभी डरने लग रहा है, वो इसलिए डर रहा है कि वो आवाज़ उठाते हैं जनता की, जनता परेशान है, जनता समस्याएं उठाने के लिए विपक्ष मुर्दा है, वो बोलता नहीं तो पत्रकार साथी हैं इनके अंदर थोड़ा क्रांतिकारी वो बना रहा है, वो सरकार को भारी पड़ रहा है, बस यही इशू है। और मुख्यमंत्री डरपोक मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं, वरना पत्रकारों के ऊपर कोई मतलब नहीं था FIR करने से। वाह हमने तो भाई कि मैं चोरी चकारी कर नहीं रखी है, अपने भोलेनाथ ना माननीय हम क्या डर रहे हैं भाई, हमने कहा कि मैं चोरी कर रखी है, कोई रुपये थोड़ी खा रखे हैं, कोई CLU थोड़ी ले रखी है, कोई प्लॉट थोड़ी कटवा रखे हैं, अपन अपने ईमानदारी का खावें, अपने भाईचारे का खावें, जो चोरों चक्का काम कर रहा है वो थोड़ी बोल रहा उन्हें बेरा है मालदाब रहा है खोस लेंगे ये तो, और ये खोसा है भाई तो इसलिए वे डरे हैं, वे बोलते नहीं हैं तो, लेकिन मैं तो जनता तो नहीं कहूँगा। अरे भाई हमने तो जय हिंद सेना नहीं बनाई है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए जय हिंद सेना बनाई है और इस जय हिंद सेना के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। वो रैली तो फिर करेंगे तो फिर विरोध करेंगे, हम तो अपनी डिमांड लेके जाएंगे, इवन का पर्सनल प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम है हरियाणा पुलिस का, तो मैं तो हरियाणा पुलिस वाला यही कह रहा हूँ ना, हरियाणा वैलेंटाइन डे पर हरियाणा पुलिस को गिफ्ट में पंजाब के समान वेतन देके जा, भर्ती है 30,000 वैकेंसी खाली है भी भर के जा, और भाई जो वे दुखी हो रहे हैं ना छुट्टी नहीं देती घर भी रोले हुए हैं उनके,
उनने छुट्टियां प्रावधान कर दिया। वैलेंटाइन डे कुछ प्यार प्रेम जब डगर हरियाणा पुलिस वाला कहूँ सारा दे अमित शाह दाई फूल के एक फूल नहीं टोकरे भर भर के फूल दे दियो। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।